नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज हो रही है बहुत ठंड, धूप का तो नाम ही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए, इनको साग में इतना स्वाद आ गया, बच्चों को रोटी दी थी और खुद लग गए खाने में। आप तो बोलते हो कि नहाने से पहले खाना नहीं चाहिए, अगर मैं कुछ खाने लगूँ ना तो ये बोलते हैं कि नहाने से पहले खाना नहीं चाहिए। और आज देखो देखो लगे पड़े हैं, देखो पास और बच्चे हो रहे हैं खुश की, ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आगे से, हमारे सामने वाले जो फ्लैट है कुछ नहीं दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। और बच्चे हो रहे हैं खुश की, देखो कितना कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या कुछ होते क्या क्या इनकी सुनो, कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गरम रोटी, साग, गरम रोटी पर नोने घी और दही, इसका मजा ही कुछ और। इनको स्वाद आ गया और स्वाद के आगे बस सब कुछ, फिर तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं। बच्चे हो गए हैं तैयार। रिया फोन बाद में, पहले खाना खाओ, टाइम हो गया है, 10 मिनट है, जल्दी करो। तो वैसे तो बच्चे तैयार हैं, बस थोड़ा सा ये जूते पहनो। तो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी बच्चे जा रहे हैं और इनको दे देती हूँ खाना। क्या ठंडी है, वाह वाह वाह। ऐसे में देखो कैसे कपड़े धो रहा, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल सफेद, वाइट वाइट हो रहा है एकदम, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कपड़े हो रहे बहुत सारे धोने के। ऐसे में कैसे इतनी सर्दी है, ऐसे में तो बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी। वैसे पड़ तो सकती है ना, हो सकती है। अभी कितनी तारीख हो गई, 20-21 हो गई आज, कितनी है आज, 20 है शायद, मंगलवार हो गया ना, 20 है तो हो सकता है, वैसे छुट्टी पड़ सकती है 25 या 30 तक। आ, देखो छुट्टी हो जाए तो अच्छा है, तो पड़ जाए अच्छा है। बच्चे पता नहीं कैसे जाएंगे, देखिए मुझे तो बड़ा लगा कि ड्राइवर ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता सड़क पे, सफेद हो जाता है। मम्मी सर्दी लग रही है, ये बहुत देर से तैयार हो गए है, आज तो पहले तैयार हो गई है ना, चलो ले जाओ इन्हें। रिया बेटे चलो, हो गया टाइम, देखो ओ ठंडी हो रही। नमन ये कह रहा कि मेरा हाथ छू के देखो मम्मी, बहुत ठंडी हो गई और मेरा काम सारा फैला पड़ा, कपड़े, किचन, और दस्तानों के हिसाब से नहाऊंगी मैं अब। पहले नहाऊंगी उसके बाद करूंगी। अच्छा हाथ धो दिए, गीले हो इसलिए ठंडे हो गए। कोई बात नहीं बेटा, उसने पॉकेट में छुपा ले, पॉकेट में छुपा ले। ये देखिए कुछ सामान मंगवाया था, ये आ गया है, क्या क्या, ये तो फट भी गई पन्नी, तो अभी निकालना पड़ेगा, नहीं तो अभी था आटा, तो ये थोड़ा पहले ही मंगवा लिया मैंने, और चीनी खत्म हो रही थी, तो ये डिब्बे में कर लेती हूँ मैं। और ये क्या है, ये मल्टीग्रीन आटा है, ब्लैक चना फ्लोर, और ये कौन सा है, ये मकई का शायद, हाँ एक मकई का है, एक ब्लैक चने का, और ये नॉर्मल आटा है गेहूं का, और ये चीनी। तो फ्रेंड्स मैं नहाकर आ गई हूँ और मुझे करनी है अभी पूजा, क्योंकि आज ये दिया बत्ती कुछ नहीं करके गए हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने खाना खा लिया था और दूसरा मुझे मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है, तो ये तो चले गए हैं ड्यूटी, बच्चे चले गए स्कूल, अब मेरा बचता है काम क्लीनिंग का और कपड़े देखती हूँ। धूप तो आज ऐसा ही मौसम हो रहा है, मुझे लगता नहीं है आज धूप निकलेगी, तो खैर चलो कपड़े तो धोने हैं ही, मैं धो के डाल दूँगी, सूखते रहेंगे एक दिन दो दिन जितने दिन लगेंगे, क्योंकि अभी एक दिन में तो सूखने वाले नहीं है, ठंड बहुत बढ़ गई है और ऊपर से धूप निकलती रहे तो ठंड का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन आज मुश्किल है, आज धूप नहीं निकलेगी क्योंकि अभी तक बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ रही है। तो मैं फटाफट से मंदिर की थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ और जो है मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी बस पूजा वगैरह मेरी हो गई है और खाना, अभी भूख नहीं लगी है क्योंकि चाय पी लिया मैंने गुड़ की 2-3 बार, तो अभी खाना तो थोड़ी सी देर में खाऊंगी। और ये देखिए अब जाके थोड़ा सा उजाला सा हुआ है, धुंध हट गई है, अभी धूप तो अच्छे से नहीं निकली है लेकिन निकल जाएगी थोड़ी देर में, और अब तो आगे ऐसा ही रहेगा। तो मैं फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ,
झाड़ू पोछा करना है, क्लीनिंग क्या, और अभी भी कंबल वगैरह ऐसे ही पड़े हैं तो ये सब उठा देती हूँ क्योंकि अभी तक बस मेरा वही हुआ है। उनके जाने के बाद नहा धो के पूजा पाठ की है, तो बस अभी मंदिर गई थी वहाँ से आई हूँ, तो बस अब लग जाऊँगी मैं अपने अब काम में, कपड़े भी धोने हैं और जो है अपने कपड़े उठा के झाड़ू पोछा कर लूँगी, तो बस लग जाती हूँ मैं फटाफट से। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ झाड़ू लगाने और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है, निकल ही जाएगी तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े भी धो लूँगी क्योंकि सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे आज धूप निकलेगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही थी, लेकिन अब जो है निकल गई है धूप और अच्छे से निकल जाएगी जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है, बस अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी और जैसे स्पीड तेज कर देते हैं हम वीडियो की तो ऐसे लगता है जैसे रोबोट के जैसे काम करते हैं, तो अगर हमारी सच में इतनी अच्छी स्पीड होती तो बस फटाफट से काम हो जाते तो मैं देखकर अच्छा लगता है रोबोट के जैसे जल्दी जल्दी में काम करते हैं। तो पहले मैंने उस एक कमरे में पोछा लगा लिया है, इस कमरे में मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ से मुझे ये वाली बालकनी धोनी थी, तो पहले मैं कपड़े से ग्रिल वगैरह साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ये बालकनी धो दूंगी, फिर जो है अंदर पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पर पहले मुझे भूख नहीं लग रही थी लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाकर पोछा लगाने लगी तो मुझे भूख लग गई, तो बस मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, कपड़े बाद में धोऊंगी, पहले खाना खाऊंगी पोछा लगाने के बाद, तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए फैन ऑन कर देती हूँ जिससे कि ये जो पोछा लगाते हैं जल्दी सूख जाता है। तो बस मैं पोछा लगाने के बाद आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे अभी खाना खाना है, बहुत जोर से भूख लग गई है, तो यहाँ पर मैं पहले क्योंकि खाना मैंने सुबह ही बना दिया था तो अभी ठंडा हो गया है तो मैं गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने घी गर्म कर लिया है और ये देखिए साग भी ठंडा हो गया है, तो पहले मैं साग गर्म कर लूँगी और रोटी भी गर्म कर लूँगी, तो मैं फटाफट से खाना गर्म कर लेती हूँ उसके बाद खाते हैं खाना। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर खाना मैंने खा लिया है, बस साथ के साथ बर्तन साफ करके रख दूंगी और अभी अच्छे से धूप निकल गई है तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी बालकनी में। तो जी खाना पीना हो गया है, ये गाजर का हलवा बचा है, ये खाना मैंने खा लिया है और अब देखिए इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, कोई बोल नहीं सकता कि सुबह इतनी ज़्यादा धूप पड़ी हुई थी, देखिए अब कितनी अच्छी धूप निकल गई है, ना हवा है, अच्छा मौसम हो गया है। अब रह गए मेरे कपड़े धोने, तो पहले धूप में बैठकर ये गाजर का हलवा खाती हूँ उसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े। देखिए व्यू देख लीजिए, बहुत अच्छी धूप निकल गई है और सुबह इतनी ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सुबह, तो अब देखिए कैमरे में सही से दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकल गई है। अब ये अब कपड़े धोने का मन करेगा, सुबह तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे धुलेंगे कपड़े, तो अब ये है मैं थोड़ी देर में कपड़े धोऊंगी, थोड़ी देर आराम करूंगी, गाजर का हलवा खाऊंगी धूप में बैठ के, उसके बाद देखती हूँ कपड़ों को। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।